लोकसभा चुनाव में बेशक एक साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है, विपक्षी एकता एक मंच पर दिखाई देगा या नहीं यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन प्रयास अभी से जारी है। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जिसके बाद एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई। दोनों की इस मुलाकात से कई सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि क्या नीतीश के संदेश को लेकर केजरीवाल से मिले हैं तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह मुलाकात दिल्ली में स्थित केजरीवाल के आवास पर की है। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे से कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे आज अपने आवास पर तेजस्वी यादव का स्वागत करते हुए खुशी हुई। यह बहुत ही उपयोगी बैठक थी। देश को प्रभावित करने वाले कई मुद्दे पर चर्चा भी हुई। तो वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति और देश को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। हम सभी को मिलकर देश बचाना है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव हाल ही में सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करवाकर वापस दिल्ली लौटे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता के साथ मुलाकात की कई तस्वीरें भी ट्वीट की थी, जिसके बाद तेजस्वी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट की है। केजरीवाल से इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव भी अब भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। पिछले साल सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली प्रवास के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी, सीपीएम महासचिव सीतारमण येचुरी, सीपीआई के महासचिव डी राजा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी की ओर से नीतीश कुमार पीएम प्रत्याशी हो सकते हैं। इसको लेकर आरजेडी और जेडीयू मंथन कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार कह चुके हैं कि उनकी ऐसे कोई इच्छा नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को झटका दे चुके हैं, जब उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने खुले मन से कहा था, यह काम नहीं करने वाला है, लोग विपक्षी एकता नहीं उम्मीद चाहते हैं। विपक्षी एकता का क्या मतलब है, सारे विपक्षी मिलकर आओ बीजेपी को हराते हैं। बीजेपी को हराने का ठेका आपने कैसे ले लिया, हम तो जनतंत्र में रहते हैं, यह काम जनता पर छोड़ देना चाहिए। बीजेपी को हराना होगा तो देश की जनता हरा देगी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।